मैंने भी देखा, कुछ लोगों ने मेरे पास भी कॉपी भेजी थी। एक तो पता नहीं कोई लड़का है या फॉल्स अकाउंट है, कौन है क्या है। उसमें रात को कुछ लोग देख रहे थे कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं और संगठन जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हुए संगठन भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो एक लड़के के अकाउंट से वैसे जुड़े हों, कई बार लगता है कि शायद हो ना हो, पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने लिखित शिकायत उस बाबत की है। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदाराना और उचित कदम उन्हें अपनाया है बालकृष्ण पाठक जी ने। अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है वो देखेंगे कि नियम कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें। और रही बात गांधी जी की, तो गांधी जी से तो हम लोग बहुत दूर दूर हैं, लेकिन लगता है गोडसे की विचारधारा ट्रेनिंग दे दे के लोगों के कोमल मनों में भरने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पनपी हुई है। लोगों को संयम रखना चाहिए और अहिंसक विचारों को ना तो मन में रखना चाहिए और अभिव्यक्ति तो बहुत परहेज रखनी चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति भी नहीं करनी चाहिए। शेष कहते हैं कि भारत देश स्वतंत्र है और अपनी अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, तो उन्होंने अपनी बात रखी। एक कंप्लेन मिला है और उस कंप्लेन को जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्विटर से संबंधित है और साइबर के जरिए हम लोग उसको जांच कर रहे हैं, और जैसे भी जांच में हमको कुछ उपलब्धि मिलती है आगे कार्रवाई आप लोगों को शीघ्र बता दिया जाएगा। सर, अभी FIR हुई है या फिर आगे किस तरह की नहीं, जांच अभी हुई? जो है हम जाँच में है, जाँच कर रहे हैं उसमें, और जैसे हमारी जाँच कम्प्लीट होगा हम आपको शीघ्र ही जो है ना कुछ आगे प्रगति बता देंगे।